हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। तो जो भी डिज़ायर डायरेक्शन में इंडस्ट्रीज़ को मूव करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी गाइडलाइंस इशू करती रहती है, वो एक फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। यदि इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो गवर्नमेंट की लेजिस्फेयर की पॉलिसी थी, मतलब गवर्नमेंट किसी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं करती थी इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने एक्टिव इंटरेस्ट लेना शुरू किया इंडस्ट्रीज़ में, और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए और उनको रेगुलेट करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी की हेल्प ली। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मीनिंग, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है अल्टीमेटली, वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स और रेगुलेशंस, वो एक्टिविटीज़ जो ज़रूरी हैं, जो किसी भी कंट्री की बेटर परफॉर्मेंस के लिए, उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर के, तो वो आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कहलाते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। तो जहाँ तक बात है प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की देखिए लिमिटेड कैपेसिटी होती है बहुत ही, और प्राइवेट सेक्टर के पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम होते हैं, और उनको ज़रूरी नहीं है वो रिस्की वेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहें। दूसरा, बहुत सारे आपके ऐसे सेक्टर हैं जो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की डिमांड करते हैं, जहाँ टाइम लैग भी काफ़ी होता है और रिस्क भी काफ़ी इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए यदि प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ रहे तो गवर्नमेंट को आगे आने की ज़रूरत है। जैसे कि रोड्स, पावर स्टेशंस, बेसिक इंडस्ट्रीज़ की आप बात करते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्टर या कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर जॉइंटली इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर सकता है, वहाँ प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हमने जैसे कि पहले भी बात की, और उन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज किया जाना चाहिए। वो भी किस तरीके से, जो भी हमारे डिज़ायर्स हैं, जो भी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं प्लान की, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है प्राइवेट सेक्टर को कि वो प्लान की प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करें। तीसरा क्या है फिर, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन सेक्टर। अब इनिशियल स्टेज में जब कोई कंट्री डेवलप होना चाहती है तो वहाँ पर फॉरेन सेक्टर की बहुत इम्पॉर्टेंस है, चाहे हमें फॉरेन कैपिटल की बात करें, चाहे हम फॉरेन असिस्टेंस की बात करें, चाहे हम फॉरेन ट्रेड की बात करें। ये सारे सेक्टर जो फॉरेन सेक्टर है, ये सारे रूपों में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि फॉरेन सेक्टर को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए और आपके जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा हो, नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा हो। तो ऐसे में ज़रूरत क्या है कि गवर्नमेंट फॉरेन सेक्टर को रेगुलेट करे और फॉरेन सेक्टर को भी कंट्रोल कर पाए, इसीलिए भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन फ्री इंडिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिपेंडेंट इंडिया के में ही गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ फ्रेम करने में आपके इंटरेस्ट दिखाया, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट दिखाया। तो टाइम टू टाइम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले जो आई वो 1948, उसके बाद 56, 77, 80 और 91। इसके अलावा नेशनल आपकी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 भी फ्रेम की गई है, और 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है। इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं, जो कि है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948, जो आपके इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे लेट श्याम प्रसाद मुखर्जी, उनके द्वारा ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और इस समय हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था, उसके बेसिस पर इस पॉलिसी को फ्रेम किया गया था। अब इस पॉलिसी के क्या फीचर्स हैं, पहली चीज़ की क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री किस तरीके से किया गया, आप देख सकते हैं कि चार हिस्सों में आपकी जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज थी बेसिकली उनको डिवाइड किया गया। जहाँ तक पहला है सेक्टर, वो है पब्लिक सेक्टर, जहाँ तीन इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व रखा गया, जहाँ पर स्टेट का पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। आर्म्स, एम्युनिशन, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज इसके अंतर्गत आता था।
दूसरा पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर 6 मेन बेसिक इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया, कोल, आयरन, स्टील, एयरक्राफ्ट, शिप बिल्डिंग, मिनरल ऑयल, टेलीफोन केबल्स और वायरलेस अपार्टस इंडस्ट्रीज। अब ये जो इंडस्ट्रीज थी, यहाँ पर पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर का क्या मतलब है कि जितने भी आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट्स थी वो तो मैनेज की जाएंगी आपके नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, और प्राइवेट सेक्टर ही उनकी डेवलपमेंट देखेगा, लेकिन जो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में नई इंडस्ट्रीज खुलनी थी वो गवर्नमेंट के थ्रू खुलेंगी। कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर, अब 18 इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इस सेगमेंट के अंतर्गत रखी गई जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर्स को दे दी गई, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो सकता था, इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर सकते थे। प्राइवेट और कॉपरेटिव सेक्टर, फिर लास्ट जो सेक्टर है फोर्थ कैटेगरी का, वहाँ पर आपको देख सकते हैं कि वहाँ पर प्राइवेट और कॉपरेटिव सेक्टर्स को ऑनरशिप देने के बारे में विचार किया गया, और फर्दर अगर इंडस्ट्री इस अधिकार में और इस दायरे में अगर ढंग से काम नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट उसकी वर्किंग को कंट्रोल कर सकती थी, और यहाँ प्राइवेट सेक्टर खुद भी इस्टेब्लिश कर सकता है, प्लस कॉपरेटिव सेक्टर मतलब लोगों का ग्रुप मिलकर इंडिविजुअल्स का किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकता है। फिर है कोटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, इस जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी शुरुआती आपकी, उसमें आपने स्मॉल और कोटेज इंडस्ट्रीज पर अच्छा खासा फोकस किया, और ऐसा फोकस क्यों किया गया, क्योंकि ये जाहिर है कि इन इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन होता है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से होता है, और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल होंगी, और लोकल रिसोर्सेज को आप पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, और एफिशिएंट प्रोडक्शन किया जा सकता है कंज्यूमर गुड्स का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कोटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया गया। लेबर कैपिटल रिलेशंस, अब स्ट्रेस दिया गया कि लेबर और कैपिटल कैपिटलिस्ट जो हैं वो स्मूथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आपस में कोऑपरेट करें, और इसके लिए स्टेट को एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था ताकि उन दोनों के बीच के रिलेशंस बेहतर बनाए जा सकें, और इसके लिए डिसाइड किया गया कि जो लेबर या वर्कर है उसको फेयर वेजेस प्रोवाइड की जाए, और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, पेंशन के फॉर्म में हो, चाहे वो डिसेबिलिटी होने पर किसी तरह का रिनमरेशन उनको देना हो, या आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह से उनको सोशली सिक्योर महसूस कराना हो। इसके अलावा लेबर्स के लिए और भी फैसिलिटीज़ को डेवलप करने पर फोकस किया गया। एटीट्यूड टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल, अब हमने पहले भी बात की कि जब भी कोई देश नया नया आज़ाद होता है तो इनिशियल डेवलपमेंट के फेजेस में फॉरेन सेक्टर अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड होते हैं, तो ऐसे में फॉरेन कैपिटल की भूमिका की इम्पॉर्टेंस समझी जा सकती है, और ये रिसोर्सेज यूटिलाइज करने बहुत ज़रूरी हैं यदि इंडस्ट्री को डेवलप करना है, इकोनॉमिकली कंट्री को डेवलप होना है, फॉरेन टेक्निकल नो हाउ को मिलना ज़रूरी है, उसको इंक्रीज करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरत क्या है कि कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं उनको भी सेफगार्ड किया जा सके, और ऐसा करने के लिए इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या फोकस किया गया कि जो कंट्रोल है फॉरेन कैपिटल पर वो गवर्नमेंट देखेगी कि किस तरीके से करना है, और फुल्ली उसको कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट, और ये क्लियर किया गया कि जो मेजर शेयर है किसी भी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट का और ऑनरशिप का वो तो इंडियंस के पास ही रहेगा, लेकिन फॉरेन कैपिटल को उन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया जा सकता है। चेंज इन टैरिफ पॉलिसी, अब गवर्नमेंट ने टैरिफ पॉलिसी को चेंज करने में भी अहम रुचि ली, इस पॉलिसी में इस चीज़ पर फोकस किया गया, और ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि जो हम फॉरेन सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं उस फॉरेन कंपटीशन में हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ कहीं पिछड़ कर न रह जाएं, इसीलिए जो आपके कह सकते हैं आप कि
हैवी टैरिफ्स लगाए गए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया कि टैरिफ्स इतने भी ज़्यादा हाई ना हो जिससे कंज्यूमर पर किसी तरह का एक्स्ट्रा बर्डन पड़े। सोशल ओवरहेड कॉस्ट, अब एम्फासिस किस चीज़ पर दिया गया कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, कैपिटल गुड्स को और रॉ मटेरियल्स की सप्लाई को, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। प्लानिंग कमीशन, एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया ताकि जो डेवलपमेंट है वो प्लान्ड फेज में हो सके। इसके बाद आपकी जो दूसरी पॉलिसी आती है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बेसिस पर और इम्प्रूवमेंट करने के लिए बनाई गई और इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और ज़्यादा स्पीडअप करने के लिए बनाई गई। और इसमें जो मेन फीचर्स हैं यदि आप बात करें 1956 की पॉलिसी के, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को थ्री कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया। पहले वाली जो पॉलिसी थी वहाँ पर चार सेक्टर्स थे, यहाँ पर तीन कर दिए गए। पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट कम पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ के जो नंबर था वो बढ़ा दिया गया, जहाँ पर पहले वाली पॉलिसी में केवल तीन ही सेक्टर पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, यहाँ पर इसको बढ़ाकर 17 इंडस्ट्रीज कर दिया गया। दूसरी तरफ पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जहाँ पर दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ आपकी नई हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश होनी हैं और जो प्रेजेंट हैं वो भी धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली स्टेट के थ्रू ही ऑन की जानी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर एक सप्लीमेंट्री भूमिका निभाएगा स्टेट की। तो यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज की संख्या को बढ़ाकर 12 कर दिया गया। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। तो सी शेड्यूल में प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को रखा गया। जितनी भी बाकी इंडस्ट्रीज बच गई जो ऊपर के दो सेक्टर्स यानी पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर में कवर नहीं हुई वो इस सेगमेंट में आती थी और इनको ऑपरेट किया जा सकता था प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, लेकिन सोशल पॉलिसीज को देखते हुए इन्हें ऑपरेट किया जाना था प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। फेयर ट्रीटमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, अब गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसीज फ्रेम करने की कोशिश की जहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज मिल सकें, पावर, ट्रांसपोर्ट या फाइनेंस किसी भी टर्म्स में। और स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो कि पिछली पॉलिसी में भी फोकस पर थी, इस पॉलिसी में भी फोकस पर रही ताकि ज़्यादा अच्छे लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट की जा सकें, और साथ ही साथ आपके जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटीज़ हैं उनको दूर किया जा सके। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, इसी के साथ किस चीज़ पर फोकस किया गया कि जो रीजनल ग्रोथ है वो भी बैलेंस्ड हो। क्या देखने को मिला कि कुछ स्टेट या कुछ रीजन्स ऐसे थे जहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से डेवलप हुई, लेकिन कुछ रीजन्स में इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हो रही थी। तो ऐसे रीजन्स जहाँ उन पर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस देखने को मिल रही थी, जहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप करने में कोई रुचि नहीं ले रहा था, उनको प्रायोरिटी दी गई और वहाँ नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश इस पॉलिसी के तहत की गई। टेक्निकल एंड मैनेजेरियल पर्सनल्स, अब जो भी आपके पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज थे उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए टेक्निकल और मैनेजेरियल ट्रेनिंग्स पर फोकस किया गया। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पर फोकस किया गया और बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट करने पर फोकस किया गया ताकि स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। प्रॉपर एमिनिटीज़ फॉर लेबर्स, लेबर्स को पिछली पॉलिसी में भी इम्पोर्टेंस दी गई थी, इस पॉलिसी में भी इम्पोर्टेंस दी गई, क्योंकि लेबर्स अगर एफिशिएंट होंगे, अच्छे से काम करेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को आप इन्हांस कर सकते हैं। तो लेबर्स की सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जैसे पेंशन बेनिफिट वगैरह पर मेन फोकस किया गया। इसी के साथ साथ कोशिश की गई कि लेबर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज किया जा सके, उनके वर्किंग कंडीशंस को राइज किया जा सके। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, अब पब्लिक इंटरप्राइजेस एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं यदि देखा जाए ध्यान से तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का,
और कंट्री के रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज वहाँ किया जा सकता है, वहाँ बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है अगर उनको एफिशिएंटली और स्मूथली चलाया जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत क्या है कि उन पब्लिक इंटरप्राइजेस को प्रॉपरली मैनेज किया जाए। तो इस पॉलिसी में फोकस किया गया कि पब्लिक इंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट प्रॉपर हो। फॉरेन कैपिटल, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए और फॉरेन कैपिटल को लेकर इस पॉलिसी में बहुत सारे कंसेशंस दिए गए फॉरेन कैपिटल को लेकर, ताकि लार्ज स्केल पर आपके फॉरेन कैपिटल फ्लो हो सके कंट्री में। ऐसा फॉरेन कैपिटल की इम्पोर्टेंस को देखते हुए किया गया। फ्लेक्सिबल, ये जो आपकी पॉलिसी थी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता था। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट एग्जिस्ट करता था? क्योंकि आपने सारी इंडस्ट्रीज को तीन सेगमेंट्स में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। लेकिन ये जो कैटेगरीज थी ये रिजिड नहीं थी, जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। और ज़रूरत पड़ने पर अगर गवर्नमेंट को महसूस होता है तो वो किसी भी इंडस्ट्री के सेक्टर को चेंज कर सकती थी।